कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है फन एक्सप्रेस। तो आज हम बात करेंगे ड्रामा क्वीन राखी सावंत के बारे में। राखी सावंत हाल ही में उनका न्यू बॉयफ्रेंड आदिल, आप सभी जानते ही होंगे, उन्होंने न्यू बॉयफ्रेंड आदिल के साथ डेटिंग करना स्टार्ट कर दिया है। तो अब ये जानेंगे कि क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, और बखूबी वो बहुत ही मीडिया के सामने आ रही हैं आदिल को लेकर, और वो एकदम कॉन्फिडेंट हैं इस बात के लिए कि हाँ, उन्होंने अब जो जीवन साथी चुना वो बिल्कुल ही सही चुना। पिछले बॉयफ्रेंड के बारे में हम सभी जानते हैं, उनके पिछला जो हस्बैंड था वो रितेश था, जिसके साथ उन्होंने शादी भी कर ली थी, लेकिन उनकी शादी ज़्यादा चली नहीं, बस कुछ ही महीनों बाद उनका डाइवोर्स हो गया। कहना था कि रितेश जो है वो उन्होंने झूठ कहा था, उन्होंने ऑलरेडी शादी कर रखी थी, उनके बच्चे भी थे, जो भी हो। तो राखी सावंत को अपना सच्चा प्यार नहीं मिल पाया, लेकिन अब देखिए कि राखी सावंत कितनी बोल्डली और कितनी कॉन्फिडेंटली सब मीडिया वालों को ये बता रही हैं कि हाँ, वो अब जो बंदे को जो पसंद की है ना, वो बंदा रियल बंदा है और वही उनका सब कुछ है। ऑफ कोर्स इज माय लाइफ, आदिल इज माय लाइफ, माय लव, आई डोंट नो व्हाट ही विल से। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने इतना प्यार कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। कह रही हूँ ना कि अब देखते हैं कि आगे क्या होता है इन दोनों का। आई मीन आई वाज नॉट रेडी, आई सेड आई एम एल्डर टू यू, बट ही सेड सी देयर सो मेनी आर्टिस्ट, यू नो दे एल्डर 14 इयर्स, 15 इयर्स, 10 इयर्स, सो देन मीडिया वालों मैं समझा करो, राखी सावंत को उतनी इंग्लिश आती है या भाई, आप क्या करते हो? ते डेस्टिनी ने मुझे एक और चांस दिया है एंड आई एम सो हैप्पी। आई वाज नॉट रेडी, आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड। मेरा लास्ट ब्रेकअप के बाद आई वाज ब्रोकन, टोटली ब्रोकन मुझे। अरे राखी बहुत है, मैं मतलब उन्हें कोई मिलता नहीं है कि इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाती है ना कि मतलब कुछ भी बोल देना। आई थिंक आदिल ही बताएंगे, मेरी तरफ से तो आदिल को हाँ 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 कबूल है, कबूल है। अरे मोहतरमा, आप इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, आपके तरफ से तो कबूल है, कबूल है। जरा भाई साहब से भी पूछ लो कि उनकी क्या मर्जी है। No, it is too early to decide. एक दूसरे को जानना और भी थोड़ा वक्त, is very very important to make any big decision. तो और we'll get to know each other. बहुत ही सही जवाब इन्होंने दिया, ये आदिल जो बंदा है ना, बिल्कुल सेलेक्ट करके जवाब दे रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। Appreciated. Age doesn't matter definitely because I'm just 6 or 7 years elder to him and he only told me. मैंने उसको डे वन पे ही बोला था। Of course, I was the one who convinced her for this. Yeah. ना ना, अरे एज फैक्टर क्या मायने रखता है, आप बहुत ही मस्त जोड़ी। थैंक्स टू आदिल के, आदिल ने मुझे पहले BMW कार प्रपोज करके गिफ्ट करी एंड अभी दुबई में एक फ्लैट अपार्टमेंट ऑन 30th फ्लोर वहाँ पे उन्होंने मुझे गिफ्ट किया। आई रियली थैंक्स टू हिम के अगर प्यार ऐसा होता है इतने सारा गिफ्ट देकर, ओ माई गॉड, सो आई फील आई एम लकी। बिल्कुल सही, आपको महंगी महंगी गाड़ियाँ ही चाहिए। अरे यार, आपको कोई भी महंगी गाड़ियाँ देगा तो आप उससे शादी कर लोगे। यही यही गलती वो बार बार करती है, यही कहती हूँ रितेश के साथ की, यही गलती वो आदिल के साथ कर रही है। सोचे समझे शादी नहीं होनी चाहिए। तो अभी हम एक दूसरे से डेट कर रहे हैं और आगे देखते हैं क्या होता है। आई होप उनकी लाइफ जो है वो पटरी पे आ जाए और उनकी लव लाइफ आगे चल पड़े। मतलब जितनी ट्रेजेडी उनके लाइफ में हुई है, मुझे लगता नहीं है कि ये बंदा फुल स्टॉप मारेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ बने रहिए मेरे चैनल पे। टिल देन टेक केयर, बाय।